हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो नैरेटिव पोइट्री के अंतर्गत मैं आपको इपिक बता रही हूँ, क्या इपिक होते हैं, टाइप्स ऑफ इपिक क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आप पूछे जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट देख रहे हैं वो आप दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो आपकी बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि नैरेटिव पोइट्री चल रही है, टाइप्स ऑफ पोइट्री क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड पोइट्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज, और नैरेटिव पोइट्री क्या होती है, सब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है, वो सब की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, जैना नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी पोइट्री से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। नैरेटिव पोइट्री के अंतर्गत तीन तरह की आती है, बैलाड और इपिक, मैजिकल रोमांस। बैलाड के बारे में बना चुकी हूँ, अब बात करते हैं इपिक। इपिक क्या होता है, इपिक अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स इन ग्रैंड स्टाइल द स्टोरी एस्पिरेंस ऑफ आर नेशनल हीरो। एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सपोज़ करो वहाँ पर एक ये लाइन दे दी उन्होंने कि अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स इन अ ग्रैंड स्टाइल, इट इज़ कॉल्ड, यहाँ तक ग्रैंड स्टाइल तक भी आपको दे सकते हैं और आपके आगे चार ऑप्शन आपको दे देंगे, इपिक है, बैलाड है या क्या है, या फिर क्या दे देंगे वहाँ चार डेफिनेशन देंगे तो उसमें पूछेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इपिक, इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इपिक, तो वहाँ आपको चार दे देंगे, या व्हाट इज़ नॉट द फीचर्स ऑफ इपिक, तो वहाँ पर क्या करेंगे फिर चार ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करना होगा। तो 2016 से इस तरह तो लेंथी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के बजाय थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या था कि जो लॉन्ग एक लंबी नैरेटिव पोएम होती है जो एक ग्रैंड स्टाइल में हिस्ट्री बताती है किसी नेशनल हीरो की, और जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो इपिक के वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो होता है इपिक में वो होता है इनवोकेशन टू द म्यूजेस एंड प्रोपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बिगनिंग। क्या होता है इसमें म्यूजेस है आपकी रोमन, उसमें एक देवी है, वो तो इन्वोकेशन होता है आह्वान करना, वंदन करना, उन्होंने मनाना, तो इसमें म्यूजिस का इन्वोकेशन किया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग से बिगनिंग से स्टार्ट होता है। सेकंड है आपका लोफ्टी लैंग्वेज एंड हाई स्टाइल, इसमें जो लैंग्वेज होगी वो लोफ्टी होगी, ऊँची होगी, और हाई स्टाइल, स्टाइल भी इसका हाई रहता है। अ सेंट्रल हीरो ऑफ सुपरमैन क्वालिटी, इसमें क्या होता है सुपरमैन की जो क्वालिटी का एक जो सेंट्रल हीरो होता है, जो बेसिक जो हीरो होता है उसका मेन जो हीरो होता है उसको सुपरमैन क्वालिटी की तरह से लिया जाता है। फोर्थ नंबर है आपका अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल और कलेक्टिव इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो नेशनल लेवल का, कलेक्टिव लेवल का, इकट्ठा लेवल का इंटरेस्ट होता है उसमें। फिफ्थ नंबर है अलोंग, जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ ना, आपको मैं इकट्ठे आपको चार पांच लाइन में फिनिश कर देती, लेकिन आपको इनमें पॉइंट्स में लर्न करना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जब आएगा कि व्हाट इज़ द जनरल फीचर्स ऑफ इपिक या व्हाट इज़ नॉट द जनरल फीचर्स ऑफ द इपिक, तब वहाँ आपको लाइन में ही पढ़ना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको, मेरे 2016 और 21 का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहे हैं। अ लॉन्ग परिलोज जर्नी ऑफर ऑन वाटर, लंबी परिलोज होती है, खतरनाक ड्रेडफुल जो जर्नी होती है, ज़्यादातर क्या होता है जो पहले जर्नी होती थी बाय वाटर होती थी, तो जो वाटर के द्वारा जर्नी होती थी वो खतरनाक जर्नी के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है। लॉन्ग स्पीचेज ऑफ द हीरोइक लीडर्स, इसमें क्या होता है हीरोइक लीडर्स के लॉन्ग स्पीचेज होते हैं, लंबे लंबे स्पीचेज होते हैं इपिक में। सेवन्थ है माइटी बैटल्स, इसमें क्या होता है पावरफुल बैटल्स भी चलते हैं, युद्ध भी चलते हैं इपिक में, युद्ध के बारे में होता है। फीस एंड रिवेल्स, फीस होता है एक तो सामूहिक भोजन के रूप में होता है, रिवेल्स क्या होता है खान पान, आप डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जिस तरह आजकल की जो पार्टीज वगैरह होती हैं इस तरह से फीस एंड रिवेल्स इसमें चलते हैं। नाइन्थ नंबर है होमेरिक, यानी ब्रैकेट में दिया मैंने लॉन्ग रन सिमिलीज, यानी इसको बोलते हैं होमेरिक सिमिलीज। एक तो आपने सिमिली सुना है, उसमें सिमिलीज क्या होती है आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, तो उसमें क्या दिया हुआ है आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम सुना होगा कि होमेरिक सिमिलीज क्या होती है, लॉन्ग रन लंबे टाइम से चलती है। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर फिर भी डिफाइन किया है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं चलता, कि जो होमेरिक सिमिलीज है ऑल्सो नोन एज इपिक सिमिलीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द इपिक सिमिलीज तो भी, या होमेरिक सिमिलीज आ जाए तो भी, दोनों की बात एक है।
क्या करते हैं और एलोबरेट कंपैरिजंस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइकोरेज। होमरिक सिमली में या इपिक सिमली में भी क्या होता है कि दो कंपैरिजन किया जाता है जिनमें हम लाइक और एज करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम सिमली में भी तो ऐसे ही होता है, तो इसे हम ओमेरिक क्यों कहते हैं। अब आगे देखिए क्यों कहते हैं। वी ऑफन यूज शॉर्ट सिमलीज इन एवरीडे स्पीच। हम एवरीडे जो है सिमली को यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा सिमली हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल शी इज़ टफ एज नेल्स, वो इतनी टफ है जितने की नेल्स। लेकिन ये क्या है, जो हम सिमली यूज़ करते हैं वो एक तरह से idioms बन जाते हैं। इनफैक्ट वी यूज़ देम सो ऑफन दैट दे कैन बिकम idioms। लेकिन ओमरिक सिमली क्या होता है, इज़ यूज टू रिडायरेक्ट द रीडर्स अटेंशन इन द अनएक्सपेक्टेड ह्यूमरस ग्रूसम और हीरोइक वेज। जो हीरोइक सिमलीज होती है वो रीडर्स के अटेंशन को रिडायरेक्ट करने के लिए की जाती है। तो अनएक्सपेक्टेड ह्यूमरस ग्रूसम और हीरोइक वेज, जो ग्रूसम होता है डिफ़िकल्ट भयंकर वाले तरीके से, जो हीरोइक वेज होते हैं उनके लिए हम हीरोइक सिमली यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, एंड दे और ऑल्सो लोट ऑफ लैंग लोट एंगर। अलोट एंगर लॉन्गर क्या होता है कि वो बहुत लंबी होती है। जो जनरल सिमली होती है वो छोटी होती है, लेकिन हीरोइक जो सिमली होते हैं बहुत लंबी होती है। कुछ हीरोइक सिमलीज के मैंने यहाँ एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने, बाकी का हटा दे कि काफ़ी बड़ा पड़ जाता है, फिर आपको लगता है कि मैम क्या बता रही है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। वन ऑफ होमर्स होमर से कि आप जानते हैं होमर जब ने बहुत बड़ा इपिक लिखा था ओडिसी, तो ओडिसी में करते हैं आई ड्रो माई, यहाँ पर यह आई ड्रो माई वेट ऑन इट फ्रॉम अबो एंड बोर्ड इट होम लाइक अ शिप राइट बोर्ड हिज बीम विद अ शिप वाइट। अब देखिए यहाँ पर लाइक शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने कहाँ तक, आपका देखो सेंटेंस कहाँ तक चल रहा है, लंबा चल रहा है। अब यहाँ देखिए शिप राइट बोर्ड हिज बीम विद अ शिप राइट ड्रिल दैट मैन बिलो व्हिपिंग द स्ट्रैप बैक एंड फोर्थ विल एंड द ड्रिल कीज ट्विस्टिंग नेवर स्टॉपिंग। तो ये जो है इतना लंबा एग्जांपल आपका होमर की ओडिसा से है, इसलिए हम जो है सिमली यहाँ पर आई है इसको होमरिक सिमली बोलते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गई होंगी। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैडम आपने तो यहाँ इसी को आप ब्लैक किया है कि इतनी सी सिमली है। देखिए यहाँ पर सिमली क्या है, आपको कहीं ना कहीं जाके आपका एक फुल स्टॉप हो जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है, लेकिन आप देख सकते हो कि कोमा से ये लगातार कंटिन्यू सेंटेंस चल रहा है। तो यह क्या है कि सेंटेंस जो होमरिक सिमली होती है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। जब तक वो चीज़ बार बार आप उसको लंबे टाइम तक खींचते हैं तो यही होमरिक सिमली होती है। जो सिमली होगी खाली एक सेंटेंस में, एक लाइन की सेंटेंस में फिनिश हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी लंबी चलती है, इसलिए इसे होमरिक सिमली या इपिक सिमली कहा जाता है। अब बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज मशीनरी। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको हम मशीनरी के नाम से जानते हैं। इसमें अब बात करते हैं एन अंडरवर्ल्ड जर्नी। इसमें क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड यानी पूरे संसार के अंदर आपकी जर्नी की जाती है। जर्नी कहीं भी कहीं से भी वो उठाकर उसमें ईपिक में डालते हैं। असेंबली ऑफ द सुपर नेचुरल पावर्स, इसमें क्या होता है सुपर नेचुरल पावर्स की असेंबली होती है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ जस्टिस एंड पीस, ग्लोरिफिकेशन होता है किसका, जस्टिस ऑफ पीस का होता है इसमें। तो अब आते हैं इसके टाइप्स से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इपिक, दो प्रकार के इपिक होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी और ओरल इपिक, यानी जो स्टार्टिंग में था और जो इपिक था वो पुराना था यानी ओरल था, रिटन में नहीं था। दूसरा है सेकेंडरी या लिटरेरी इपिक, यानी दूसरा है और जो रिटन में है। इस तरह से आपके बैलार्ड का भी टाइप इसी तरह दिया गया था। तो जो प्राइमरी इपिक है वो टाइप ऑफ इपिक है जो ट्रेडिशन से स्टार्ट होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो होती है उसी को हम प्राइमरी इपिक कहते हैं। और सेकेंडरी या लिटरेरी इपिक जो होता है वो इमिटेट ही किया जाता है प्राइमरी इपिक का। फ़र्क क्या है कि वो रिटन में होता है, वो ओरल होता है। एक तो फ़र्क ये हो गया चीज़, सिंपल से शब्दों में समझिए आप कि जो प्राइमरी इपिक है वो ओरल है और सेकेंडरी इपिक जो है वो रिटन में है, तभी हम उसको लिटरेरी बोल रहे हैं। इन ए प्राइमरी इपिक द एपिसोड्स टेकन फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन आर लिंक्ड विद वन अनदर टू मेक अ लॉन्गर स्टोरी। अब प्राइमरी इपिक में क्या होता था, फिर जो एपिसोड लेते थे वो ओरल ट्रेडिशन से लेते थे, जो एक से होकर दूसरे से लिंक हो जाते हैं, जिससे एक कहानी बहुत लंबी बन जाती थी। इस कारण से जो लूजनेस है कंस्ट्रक्शन में वो दिखाई देती है, यानी जो ओरल इपिक थे उनमें जो आपस में रचना भी थी ना, वो क्या होती बहुत ढीली पड़ जाती, लूजनेस बन जाती, क्योंकि वो एक कहानी से दूसरी कहानी तीसरी जोड़ते चले जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता है। और सेकेंडरी इपिक में जो लूजनेस है बिल्कुल नहीं पाई जाती है, नॉट फाइंड।
अ प्राइमरी हिपिक डिस्प्लेस सेवेज एंड रूड हीरोइज्म, क्या करते हैं, डिस्प्लेस सेवेज को करते हैं और रूड हीरोइज्म को करते हैं, लेकिन सेकेंडरी हिपिक जो होती है वो मोर रिफाइंड टेस्ट, बहुत ही रिफाइंड होती है, शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है, वो परिष्कृत नहीं होती है, रूड हीरोइज्म होता है। तो ये अंतर हो गया, यानी एक तरह से कहते हैं जो रिटिन थी वो लिखने में शैली जो थी रिफाइंड थी, परिष्कृत थी। इन अ प्राइमरी हिपिक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, जो प्राइमरी इपिक है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के वो बड़े सिग्निफिकेंट थे, लेकिन लिटरेरी इपिक में वे इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। यानी प्राइमरी इपिक में जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को दी जाती थी, लेकिन इसमें नहीं दी जाती है। होमर्स की इलियड एंड ओडिसी प्राइमरी इपिक है, वर्जिल की एनीड, दांते की डिवाइन कॉमेडी, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, ये सब आपके सेकेंडरी इपिक है। अब बात करते हैं, एक वर्ड आपने कहीं और भी सुना होगी, मोक इपिक। मोक इपिक को भी मैंने इसमें लिया है कि अ नैरेटिव पोएम विच एम्स एट मोकरी एंड मोक होता है झूठा एंड लाफर बाय यूजिंग ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन इपिक बट फॉर अ ट्राइबल सब्जेक्ट। मतलब क्या कहते हैं, जो आपकी इसकी डेफिनेशन है कि जो नैरेटिव पोएम होती है जिसका मकसद ही मोकरी करना होता है, झूठा फार्स होता है, लाफर होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इपिक के होते हैं, लेकिन वो सब एक झूठे तुच्छ ट्रेवल तुच्छ बिल्कुल बेकार जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर बनाई जाती है। जैसे पोप की, सभी जानते हैं कि पोप की जो पोयम है द रैप ऑफ द लॉग एक फेमस मोक इपिक है। वो उसका सब्जेक्ट ट्रैवल था, वो एक जस्ट जो उसकी लॉक होती है हेयर की लॉक, उसके ऊपर उसने पूरा इपिक लिख डाला। इट हैज़ इन इट इन्वोकेशन प्रपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब चीज़ें वही होगी, बैटल्स भी है, सुपरनेचुरल मशीनरी भी है, जर्नी वाटर भी है, अंडरवर्ल्ड जर्नी भी है, लॉन्ग स्पीचेज फीस भी है, कॉफ़ी हाउस भी है, सब चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, लेकिन वो ट्राइबल सब्जेक्ट पर होती है। होमरिक सिमिलीज एंड ग्रैंड स्टाइल भी होता है, बट ऑल फॉर अ सिंपल फैमिली डिस्प्यूट इंस्टेड ऑफ अ डिग्निफाइड सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, आपको होमरिक सिमिली भी मिलेगी, ग्रैंड स्टाइल भी मिलेगा, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट होता है वो डिग्निफाइड नहीं होता है, वो फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर वो इपिक लिखते हैं, जो मतलब कोई इशू ही नहीं होते उनके ऊपर जो इपिक लिखा जाता है वो आपके मोक इपिक होते हैं। द ग्रैंड ट्रीटमेंट ऑफ अ लो सब्जेक्ट प्रोड्यूस हिलेरियस फ्लफर एंड मेक्स अ स्टोरी रिडिकुलस। जो ग्रैंड ट्रीटमेंट मतलब जो बेकार कोई चीज़ है नहीं, मतलब यूजलेस है, आप उसको बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे तो वो क्या कारण होता है, वो हिलेरियस रूप से हंसी का कारण बनता है और कहानी जो होती है वो रिडिकुलस बन जाती है। तो माई डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कि वॉट इज इपिक, टाइप्स ऑफ इपिक, उसी के अंदर आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ और मिली होगी, मोक इपिक मिला है आपको और आपको होमरिक सिमिली भी मिली है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको दे रही हूँ, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।